हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेट का एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वस्ती विषय अभ्यासनी रीतो डेमोग्राफिक मेथड। ये चैप्टर एग्जाम में 14 मार्क का पूछा जाता है। इस चैप्टर में टोटल दो टाइप के सम्स होते हैं। एक होता है सादो अने प्रमाणित मृत्यु दर SDR एंड CDR, और सेकेंड टाइप के सम्स होते हैं वो होते हैं प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट के रिलेटेड सम्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टाइप के सम्स क्लियर कराने वाला हूं। तो वीडियो को पहले से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए बात करता हूं आज के इस वीडियो की। तो आज मैं आपको एक मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं कंप्लीटली इस सम से, और आपको प्रैक्टिकल सॉल्व भी कराऊंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आज मैं लेने वाला टॉपिक है प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट। ओके, तो इसमें तीन टाइप के प्रजनन दर फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है सादो प्रजनन दर जनरल फर्टिलिटी रेट, दूसरा होता है नियत गाड़ा माटे प्रजनन दर स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और तीसरा पूछा जाता है कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल से एक बार मैं रीड कर लेता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकल सम्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सादो प्रजनन दर जनरल फर्टिलिटी रेट, इसका शॉर्टकट होता है GFR। इसका फॉर्मूला है जीवता रहेला बाळकोनी कुल संख्या अने अपोनमा ते प्रजनन गाड़ा दरमियान स्त्रियोनी कुल संख्या, मतलब बाळकोनी संख्या भाग्या स्त्रियोनी संख्या कुल लेना है, टोटल लेना है, इनटू में क्या आएगा 1000 आएगा, राइट। तो यहाँ पर सेकंड है नियत गाड़ा ना प्रजनन दर, तो उसका स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है SFR, राइट। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा, एक नक्की उम्र गाड़ा ना, यहाँ पे थोड़ा ट्यूस्ट है, वहां पे कुल आता है, लेकिन यहाँ पे एक नक्की उम्र गाड़ा ना जीवता रहेला बाळकोनी संख्या अने भाग्यमां तेज उम्र गाड़ा ना स्त्रियोनी संख्या, और इनटू में 1000 तो आता ही है। थर्ड है TFR, तो उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है कि जो SFR निकला है उसका टोटल कर देना है सिग्मा SFR इनटू में I। ये I मतलब क्या होता है, I मतलब होता है कि जो उम्र गाड़ा का जो वर्ष होगा, जो डिफरेंस जितना, वो होता है हमारा I। अब चलिए प्रैक्टिकल सम्स सीखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने सम्स लिया हुआ है जो अपने बुक का है, क्वेश्चन नंबर 45 जो यूनिवर्सिटी 2015 का है, और उसका है D। यहाँ पे आप देख सकते हो GFR SFR TFR फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, और ये हमारा सम्स है। यहाँ पर उम्र दिया गया है, स्त्रियों की संख्या, और जीवता जन्मेला बाळकों की संख्या। स्त्री की संख्या 1000 कॉमन निकाला हुआ है, तो आपको 20 ना समझते, 20,000 समझना है। तो मैंने यहाँ सम्स राइट डाउन किया हुआ है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्व कैसे आना। तो पहले पूरा सम्स राइट डाउन कर लिया था, जो हमको दिया गया था वही का भी लिखा गया। अब पहले डायरेक्टली सम्स पर से पहला फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है जो होता है GFR, डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है आप समझ रहे हो, फॉर्मूला क्या है, बाळकों की कुल संख्या भाग्या स्त्रियों की कुल संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले टोटल कर देना है। दिख रहा है आपको जो स्त्रियों की संख्या दी हुई है फीमेल की, और जो बाळकों की संख्या दी गई है लिविंग चाइल्ड, उनका टोटल कर देना। तो सबसे पहले टोटल करेंगे तो स्त्रियों की संख्या मिल जाएगा 1,00,000, और वहीं पर बाळकों की संख्या मिल जाएगी 6,982। अब इस पर से निकल जाएगा हमारा GFR सादो प्रजनन दर। उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले बाळकों की संख्या लेना होता है, तो 6,982, और अपन में क्या आता है स्त्रियों की कुल संख्या, राइट। तो स्त्री कुल संख्या कितना है 1,00,000, और इनटू में फॉर्मूले में क्या आता है 1000। तो बस, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इनटू और डिवाइड करके इसका आंसर लाएंगे तो आ जाएगा 69.82। ये हो गया हमारा आंसर GFR का। तो डायरेक्टली सम्स पर से GFR निकल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड SFR। तो SFR के लिए आप एक काम कीजिए, अलग यहाँ पर इंडिविजुअल सॉल्व करने से बेटर है कि आप ब्रैकेट बना दीजिए, टेबल बना दीजिए, टेबल इसके आगे एड कर दीजिए SFR। तो यहीं पे हम SFR फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि SFR क्या होता है प्रत्येक उम्र गाड़ा के लिए निकालना होता है, राइट। तो अब टेबल ही बना दीजिए। इसका भी फॉर्मूला वही है कि सबसे पहले आपको बाड़कों की संख्या लेना है और अपन में स्त्री की संख्या, लेकिन एक ही उम्र गाड़ा के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले उम्र गाड़ा के लिए बाड़कों की संख्या कितना है 820, अपन में उसी उम्र गाड़ा में स्त्रियों की संख्या कितनी है 20,000, इनटू में क्या होगा 1000 ही होगा। ओके, तो बस इसका आंसर आ जाएगा आपका 41। ये हो गया SFR फर्स्ट का। ऐसे सेकंड के लिए उम्र गाड़ा के लिए निकालना है, तो इसके लिए बाड़कों की संख्या कितनी है 2500,
डिवाइड में क्या आएगा, स्त्रियों की संख्या 25,000 इंटू में 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100। बस आपको ऐसे करना है, बालकों की संख्या भाग्य स्त्री की संख्या हर एक उम्र काल के लिए सेम सेम करना, तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे 2100 इंटू में 1000 डिवाइड में 21,000। आपको दो ही दिखाने का, बाकी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इसका भी आ जाएगा हमारा आंसर 100। फिर इधर सेम 880 इंटू में 1000 डिवाइड में 11,000, तो इसका आंसर बन जाएगा 80। अब मैं आंसर राइट डाउन करता हूँ, इसका बन जाएगा 60, इसका 10 और इसका 2। ये हो गया हमारा SFR, समझ गए हो गया आई होप। अब बात करता हूँ TFR निकालना, तो TFR का फॉर्मूला आप देख रहे होंगे यहाँ पर, TFR का फॉर्मूला क्या, TFR का सिग्मा SFR इंटू में I, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ अपने इस क्वेश्चन में, तो TFR इज इक्वल टू सिग्मा SFR इंटू में I। तो SFR का पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, तो जो SFR की वैल्यू मिली है ना वो सारे काम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमको सिंपल सा टोटल मिल जाएगा 393, ये मिल जाएगा SFR का टोटल। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो यह 393 इंटू में I, तो I का मतलब क्या होता है, जो उम्र है ना उसके बीच का डिफरेंट, तो यहाँ 15 से लेकर 19, तो कितने उम्र का इन्वॉल्व किया गया, 5, टोटल कितना आ रहा है 15, 16, 17, 18, 19, तो कितना आ रहा है एज 5 आ रहा है, तो इनटू अपने को 5 करना रहेगा, मोस्ट ऑफ 5 ही होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1965। ये हमारा हो गया TFR, और यहीं पर ये यहां तक ही पूछा गया था GFR, SFR, TFR, और ये अपना कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में 7 मार्क का पूछा जाता है या 4 मार्क का पूछा जाता है, ये सब एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में आपके सारे सम्स क्लियर हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी सम्स ले सकते हो, इसी तरह अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आपको सम्स समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी रह गई है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और कौन सा वीडियो चाहता है वो भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।